अगर आप प्लास्टर हो जाने के बाद इलेक्ट्रिकल कंसील वायर और प्लम्बिंग कंसील का काम करते हैं तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रिकल चाहे प्लम्बिंग के लिए काटते हैं तो बस इतना ही काटते हैं, और उसके बाद जब प्लास्टर का काम होता है, देखिए फिनिशिंग आपका यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ गहरा है, फिर ऊंचा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। हाँ, अगर गहरा है तो वहाँ पे पुट्टी में काम हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ऊंचा है वहाँ पे पुट्टी का काम जब करेंगे बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। अब उतना तो छोड़िए, यहाँ पे देखिए इस फ्रेम को जो है इस प्लास्टर से मॉड्यूलर को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर ये बोर्ड बैठाएंगे तो पूरा बाहर दिखेगा। ये सब गलती है, तो हर बनाना नहीं कोई भी चीज़ में। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़, ये प्लास्टर यहाँ पे ठीक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा दिख रहा, सेम वैसा चीज़ वहाँ भी ऊंचा दिख रहा। तो हम बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब भी कभी आप प्लास्टर का काम करें तो उस समय इलेक्ट्रिकल का काम आप पूरा कंप्लीट कर ले, कंसील पाइपलाइन का। यहाँ पे देखिए पूरा ऊपर खाबर दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा कुछ, ऊपर दिख रहा होगा नीचे दिख रहा होगा कुछ, ऊपर दिख रहा होगा, और बाद में ये क्या होता है, कुछ दिन बाद यहाँ से क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक अलग सा लाइन बन गया है हर जगह, जहाँ भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है खींचा गया है हर जगह वही चीज़ है, चाहे आप इसमें हो चाहे प्लम्बिंग में। प्लम्बिंग में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लम्बिंग का काम में प्लास्टर होने के बाद भी करें तो उसके ऊपर टाइल्स लग जाने से कोई इशू नहीं होता। यहाँ भी ऊपर नीचा ऊपर नीचा हो गया। अब यहाँ जब पुट्टी वाला काम करने के लिए आएगा उस समय उसका जो है पुट्टी प्रॉपर तरीके से मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, अब आपको हम यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा होगा, ये वाला साइन देखिए ऊपर नीचा ऊपर नीचे का। खैर अगर आप गौर से देखेंगे तभी समझ में आएगा, पुट्टी थोड़ा मोड़ा हाइट दिख रहा है वहाँ पे, उधर भी दिख रहा है, यहाँ भी जो है आपको ऊपर खावर ऊपर नीचा दिख रहा होगा। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पहले प्लास्टर हो चुका था, फिर जो है इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन का काम हुआ था, फिर उसके बाद तब जा करके जो है पुट्टी मारा गया था। यही एक गलती है जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पे भी देखिए कुछ लाइन आपको दिख रहा होगा, खैर इतना है, मेरा कैमरा का तो पावर है नहीं कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ऊपर नीचा दिख रहा है पुट्टी मारने के बावजूद भी, यही एक समस्या है। तो आपको बस यही ध्यान में लेके चलना है कि भाई कि आपको ऐसा गलती नहीं करना है जिससे कि बाद में जब पेंट, यहाँ तक पुट्टी नहीं, जब पेंट भी इस पर किया जाएगा तब भी वो आपका ऊपर नीचा दिखेगा। ऐसा गलती क्यों करना भाई, ब्रिक वर्क करवाइए और उसके बाद तुरंत बाद जो है आप प्लास्टर कर, ब्रिक वर्क करने के बाद जो है तुरंत उसके बाद जो है प्लम्बिंग वाला टीम को बुला लीजिए, इलेक्ट्रिकल वाला टीम को बुला लीजिए, वो आकर के आपका पूरा पाइपलाइन लेके चला जाएगा, फिर उसके बाद तब जा करके आप पुट्टी टीम बुला करके पुट्टी करवाइए। देखिए ये सब दाग जो है पुट्टी होने के बाद भी आपको दिखेगा, ऊपर नीचा पुट्टी कितना कवर करेगा ये भी बात है। तो इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है, घर बना रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बनाइए। मेरा बस वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग को जागरूक करने का कि भाई आप बस सावधान रहिए। देखिए ऊपर है, ये नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, मिलता नहीं है फिर बाद में, वही अगर ब्रिक वर्क के समय अगर करता तो आराम से जो है मिल जाता है आँखों, मतलब कि आप तो कैमरा में देख ही रहे, मतलब देख ही रहे होंगे पूरा दिख रहा है ऊपर नीचा सेम यहाँ भी दिख रहा है। बस यही करेंगे वीडियो को क्लोज, पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल वा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, क्लिक कर देगा उससे बेनिफिट बस होता, जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे भी वही हालत होगा जो ऐसा यहाँ हुआ है, अब जो प्लास्टर करेगा यहाँ पे। बाय बाय, सी यू अगैन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।